गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ये वाला मेकअप लुक। तो इसके लिए मैंने पहले यूज़ किया है मेकअप रेवोल्यूशन का आई शेडो पैलेट। उससे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ अपने अंडर आईज़ पे लूज पाउडर, ताकि जो भी फॉल आउट हो उसे मैं ईजिली रिमूव कर सकूँ। तो मैंने जो लिया है पहले शेड है वो है जुपिटर, वो है एक पिंक वाला शेड, डार्क पिंक शेड। आप कौन सा भी डार्क पिंक शेड ले सकते हो। उसे मैं पूरे अपने लिड पे और आउटर वी पे अच्छे से ब्लेंड करके ले रही हूँ, तो आप देख सकते हो गाइस। तो इसके बाद मैं बनाने वाली हूँ कट क्रीज। तो उसके लिए मैंने लिया है वेट एंड वाइल्ड का कंसीलर इन द शेड मीडियम टाउनी। उसे मैंने हाथों में लिया और ये है अर्बन डिके का फ्लैट ब्रश, इस पर मैं कंसीलर लूँगी और अपने इनर लिड से हाफ कट क्रीज बनाऊंगी। अपने इनर लिड से हाफ, नॉट फुल कट क्रीज, सिर्फ हाफ कट क्रीज, आप देख सकते हैं। तो इसके बाद मैं लूंगी आई शेडो पैलेट से एक ब्लू वाला शिमर शेड, उसका नाम है सैटर्न। आप कौन सा भी ब्लू शिमर शेड ले सकते हो और लगा लीजिए। जहाँ पे भी मैंने कट क्रीज बनाया है वहाँ पे मैंने लगा लिया। और फिर से मैंने शेड जुपिटर लिया और जो भी हार्श लाइन है कट क्रीज का उसे ब्लेंड कर लूँगी। और जो मैंने टेप लगाया था उसे मैंने निकाल दिया, आप भी टेप लगा लीजिए ताकि वहाँ पे यहाँ पे अननेसेसरी आई शेडो नहीं लगेगा। उसके बाद मैं डस्ट ऑफ कर रही हूँ लूज पाउडर को। नाउ लेट्स बिगिन टू द फेस। तो सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ कंसीलर अपने अंडर आइज पे और जहाँ पे भी मुझे लाइक एक्ने स्पॉट्स है या डार्कनेस है वहाँ पे। इट्स इन द शेड मीडियम टाउनी। सारे चीज़ों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं फाउंडेशन यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं डायरेक्ट कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ कंसीलर से काम बन जाता है। तो नेक्स्ट टाइम मैं फाउंडेशन भी यूज़ करूँगी। तो ब्लेंडिंग के लिए मैं ये ले रही हूँ ब्लेंडिंग ब्रश, फाउंडेशन ब्लेंडिंग ब्रश। ये है पूना स्टोर का ब्लेंडिंग ब्रश, इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ शुगर का ट्रांसलूसेंट पाउडर। आप जिस पे भी कंफर्टेबल हो आप वो यूज़ कर सकते हो। चाहे आप कंफर्टेबल हो अगर कॉम्पैक्ट के साथ तो कॉम्पैक्ट यूज़ कर लो। मुझे लूज़ पाउडर लगाना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं ट्रांसलूसेंट पाउडर लगा रही हूँ। उसके बाद मैं ले रही हूँ शेड मास्क और उससे अपने इनर कॉर्नर पर लगा रही हूँ, अंडर आई के इनर कॉर्नर पर, आउटर कॉर्नर पे, सॉरी आउटर कॉर्नर पे मास्क शेड लगा रही हूँ। और फिर से मैंने लिया है सैटन शेड, ब्लू वाला शिमर शेड, और वो इनर कॉर्नर पे लगा रही हूँ ताकि एक जैसा लगे। इसके बाद मैंने लिया है शुगर का फेस पैलेट। इट्स इन द शेड 1 सब स्टाइल ऐसा, उसका भी लिंक आपको, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा गाइस, सो डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट। उससे मैं कॉन्टोर शेड लेके पूरे अपने फेस को कॉन्टोर कर रही हूँ, आप जो भी बोलो कॉन्टोर या ब्रॉन्जिंग। आप देख सकते हो डिफरेंस। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लश। ये ब्लश इतना कुछ पिगमेंटेड नहीं है, इसलिए मैं पिगमेंट करने के लिए ये कर रही हूँ, ज़्यादा लगा के ले रही हूँ ताकि कुछ तो पिगमेंट आए मेरे फेस के ऊपर। इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ हाइलाइटर। मैंने हाँ सब तरफ हाइलाइटिंग कर लिया, अपने ब्रिज ऑफ द नोज, क्यूपिड बो, फोरहेड, चीक्स, सब तरफ।
इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ लिपस्टिक, ये है कलर बार का लिपस्टिक। ये मुझे लगाने के बाद थोड़ा डार्क लगा, इसलिए मैं इसे लाइट करने के लिए उसके ऊपर यूज़ कर रही हूँ मेकअप रेवोल्यूशन का लिपस्टिक, इट्स इन द शेड सीरा। सो दिस इज़ द माई फाइनल लुक यू गाइस। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ ज़्यादा जजमेंटल मत होना गाइस, क्योंकि मैं भी अभी बिगनर हूँ। आप मुझे सपोर्ट करो तो ज़्यादा अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लेके आऊँगी। सो दिस इज़ इट गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।